हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी एक्टिविटीज बताऊंगी जिनके थ्रू आप एक फन वे में अपने बच्चों को एंगेज कर सकते हो और साथ ही उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, उनके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, वोकैबुलरी उनकी बढ़ा सकते हो एंड यू कैन हेल्प देम आर्टिकुलेट देयर थॉट्स एंड ऑल्सो थिंक ऑन देयर फीट। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करते साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट एक्टिविटी है शो एंड टेल। ये एक बहुत सिंपल एक्टिविटी है। अपने बच्चे का फेवरेट टॉय, बुक, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी उसकी फेवरेट चीज, फ्रूट, वेजिटेबल, एनीथिंग, वो ले लीजिए एंड आस्क योर चाइल्ड टू स्पीक अबाउट इट। इनिशियली अगर बच्चे छोटे हैं तो दे मे जस्ट स्टार्ट विद वन लाइन, बट ग्रेजुअली इंक्रीज दिस फ्रॉम वन सेंटेंस टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव। एनीवेयर फ्रॉम 30 सेकेंड्स टू अबाउट 2 to 3 minutes शुड बी योर गोल कि फाइनली आपका बच्चा किसी भी चीज पे 2 to 3 minutes बात कर सके। दिस रियली हेल्प्स देम टू थिंक ऑन देयर फीट। ये उन्हें बहुत हेल्प करता है टू आर्टिकुलेट वॉट इज कमिंग इन देयर माइंड एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स देम इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स टू हेल्प फॉर्म बेटर सेंटेंसेस। अब देखिए, हो सकता है कि इनिशियली आपका बच्चा इस एक्टिविटी को समझ नहीं पाए, तो आपको ये उनको करके दिखाना है। आप, आपके हस्बैंड, घर में जो भी हैं, Anybody can just pick it up and in a fun way, आपको इसे बहुत जैजी नहीं बनाना है, in a fun way just talk about it. For example, एक mango उठा लिया तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो, that mango is my favorite fruit, mango is also the king of fruits, mango is yellow in color and mango is very sweet, I love to eat mangoes in summers. You know, something like this करके आपने 5 sentences बना लिए। But I would say that depending on your child's age, अगर आपको लगता है अभी 1 sentence is enough, तो आप भी अपने time पे 1 sentence ही बोलिए and then encourage your child to do it. This is a really good activity, guys, and this really helps them build their confidence. काफी सारे schools में इस activity को on a weekly basis कराया जाता है, so अगर आप जल्दी start करेंगे तो it will really help your kid. The next activity is play conversation catch. ये एक बहुत fun activity है, but ये 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मैं ज़्यादा recommend करूँगी। आप एक ball लीजिए, अपने बच्चे के साथ आमने सामने बैठ जाइए एंड आपको क्या करना है कि जब आप बच्चे को बॉल थ्रो करेंगे तो आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे। जब बच्चा बॉल कैच करेगा तो साथ ही कैच करते साथ ही उन्हें उस क्वेश्चन का आंसर देना है एंड देन जब बच्चा आपको बॉल थ्रो करेगा तो फिर वो क्वेश्चन पूछेगा और आपको कैच करते हुए आंसर देना है। वेरी सिंपल। जैसे मैं कबीर के साथ अगर ये खेल रही हूँ तो मैंने बॉल थ्रो करते हुए बोला, कबीर व्हाट इज योर एज, तो कबीर ने कैच करते हुए बोला आई एम 4 एंड देन कबीर ने वापस मेरे पे थ्रो किया, मामा व्हाट इज योर एज, तो मैंने जो भी मेरा आंसर है वो दे दिया। बट बेसिकली व्हाट दिस इज डूइंग इज, नंबर वन, ये उनकी स्पीड को इम्प्रूव करता है, दे स्टार्ट थिंकिंग फास्ट। नंबर टू, ये उनके रिस्पॉन्स टाइम को बहुत इम्प्रूव करता है। नंबर थ्री, जब वो वापस आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दिस इज इम्प्रूविंग देयर अबिलिटी टू हैव अ कॉन्वर्जेशन, राइट? कॉन्वर्जेशन में क्या होता है, इट इज अ डायलॉग, वन पर्सन सेज समथिंग एंड द अदर पर्सन रिस्पॉन्ड एंड देन सेज समथिंग, सो दिस इज टीचिंग देम दैट ऑल्सो अलॉन्ग विद थिंकिंग ऑन देयर फीट, बिकॉज एवरी टाइम दे थ्रो अ बॉल दे विल हैव टू कम अप विद अ न्यू क्वेश्चन। द नेक्स्ट एक्टिविटी जो कबीर को भी बहुत पसंद है और मैं देख रही हूँ उसके स्कूल में भी काफ़ी एनकरेज किया जाता है, वो है पिक्चर रीडिंग। तो आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, इट कुड बी अ मैगजीन, अ न्यूज़पेपर, अ बुक, एनीथिंग। एक पिक्चर लीजिए और आप अपने बच्चे से पूछिए कि व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हो रहा है, एंड अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो आप पहले स्टार्ट कीजिए, दैट ममा कैन सी देयर इज अ गर्ल स्विमिंग इन दिस पिक्चर। तो आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया जिससे कि ये कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ते जाएगी, बच्चा बताएगा कि उसको क्या समझ आ रहा है और इसी को बिल्ड करके आप ये पूछिए कि इससे पहले क्या हुआ होगा और इससे बाद क्या हुआ होगा। तो इससे आप बच्चे की अगेन क्रिएटिव थिंकिंग को किक इन करते हैं, आप उसको हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, आप उसे हेल्प करते हैं टू आर्टिकुलेट देयर थॉट्स एंड जब आप बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं तो साथ में आप उनकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ट्राई डिफरेंट थिंग्स, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू बुक्स ओनली, इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू पिक अप अ न्यूज़पेपर ऑल्सो, इससे बच्चों का इंटरेस्ट न्यूज़पेपर्स में भी बहुत बढ़ता है। द फोर्थ एक्टिविटी, अगेन माई फेवरेट एंड आई एम श्योर आप सबकी फेवरेट एक्टिविटी है, बुक रीडिंग। तो बच्चों के लिए वेराइटी ऑफ बुक्स लाइए एंड वन थिंग आई वुड सजेस्ट इज दैट काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि जस्ट टू रीड द स्टोरी फास्ट टू द किड, हम पिक्चर्स के बेस पे फटाफट स्टोरी पढ़ देते हैं क्योंकि कई बार हमें लगता है कि बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इतना सारा बोलेंगे तो बच्चे बोर होके सो जाएंगे या फिर दे विल जस्ट लूज इंटरेस्ट, बट दैट्स द मिस्टेक।
आप एक एक वर्ड पढ़िए, लाउड पढ़िए, क्लियर पढ़िए, बिकॉज बुक्स से बच्चों की वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होती है. इनफैक्ट वेन एवर यू टेल देम अ न्यू वर्ड, क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे को कौन सा वर्ड नहीं पता होगा, मेक श्योर यू पॉज, यू टेल देम द मीनिंग ऑफ दैट न्यू वर्ड एंड देन ट्राई टू यूज दैट न्यू वर्ड इन योर डेली एक्टिविटीज, जिससे बच्चा वो वोकैबुलरी को लर्न करेगा और फिर यूज करना भी स्टार्ट करेगा. एंड बुक रीडिंग सिर्फ अपने पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कीजिए. आप बच्चे को जब आपने वो बुक पढ़ दिया, नेक्स्ट डे और मे बी अनदर डे आप वो बुक बच्चे को दीजिए अब एंड टेल हिम टू रीड वट एवर ही थिंक्स इज इन द स्टोरी. मोस्ट लाइकली आप देखेंगे दैट योर चाइल्ड विल रिफ्लेक्ट ऑन द स्टोरी यू टोल्ड हिम and the child will read the story back to you with obviously not exactly what is written in the book but what he remembers from what you have told him. ये एक बहुत अच्छा तरीका है उनकी memory को sharpen करने का, उनके vocabulary को improve करने का, उनके communication को improve करने का. So overall book reading should not only be through you to the child but also from the child back to you. एंड मेरा लास्ट टिप है दैट काफ़ी सारे पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आता होता या फिर हम हेजिटेट करते हैं कि हम बच्चे से अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो हम उन्हें गलत इंग्लिश सिखा देंगे. सो डोंट वरी गाइस, द गुड थिंग विद ऑनलाइन इज दैट इतने सारे टीचर्स या इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं जहाँ से यू कैन गेट हेल्प फॉर योर चाइल्ड. अगर आपके बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम है या आपके बच्चे को फोनिक्स साउंड्स में प्रॉब्लम है, एनी थिंग दैट यू फील कैन हेल्प योर किड, देन जस्ट गो हेड एंड एनरोल योर किड्स फॉर दोज ऑनलाइन क्लासेस. कंसिडरिंग योर किड विल बी एबल टू सिट फॉर द क्लास, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू एक्सप्लोर दीज क्लासेज एंड हेल्प योर चाइल्ड. इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट टू यू, समटाइम्स मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे भी कोई चीज़ नहीं आती तो आई एनरोल फॉर अ ऑनलाइन क्लास जहाँ मैं खुद कबीर के साथ बैठती हूँ, खुद भी वो चीज़ सीखती हूँ एंड मैं बाद में उसके साथ वो एक्टिविटी कर लेती हूँ. सो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके गाइस, हमें ये सब करे हुए बहुत टाइम हो चुका है. सो मे बी वी आर नॉट यूज टू थिंग्स बट इट डजेंट मीन दैट वी विल स्टॉप आर किड्स फ्रॉम ऑल्सो लर्निंग न्यू थिंग्स. सो आई होप आपको ये सिंपल सा वीडियो पसंद आया होगा. ये सब एक्टिविटीज आप बच्चों के साथ रोज कीजिए, इट बिकम्स अ हैबिट, इट बिकम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फन विद इट विच इवेंचुअली देन दे स्टार्ट डूइंग विद देयर फ्रेंड्स एंड एट स्कूल ऑल्सो एंड डेफिनेटली बूस्ट्स देयर कॉन्फिडेंस. थैंक यू फॉर लविंग मॉमकॉम इंडिया. हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and also hit the bell icon.